बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ आलू के भुरते का सालन, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से है, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। एंड तक वीडियो को देखिएगा, अगर पसंद आई तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई होती है। और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को, ये आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत होता है, इससे मेरी बड़ी हौसला अफजाई होती है। और बेल आइकन को भी साथ ही प्रेस कर दें। तो एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर मैंने उसको घी में जो है फ्राई करना शुरू किया है। और यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू जो हैं वो मैंने बॉईल कर लिए हैं, और उसको मैं इस तरीके से मैश कर लेती हूँ। और मैश जो है ना हमने मोटा मोटा ही करना है, थोड़ा मतलब बिल्कुल ही मैश नहीं कर देना। और साथ साथ इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती रहूँगी, बाकी आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है, और लाइक और कमेंट तो लाजमी करना है। और क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप लोग कैसा समझ रहे हैं मेरी वीडियो को। और साथ साथ हमारा हो रहा है प्याज भी ब्राउन, और यहाँ पर मैंने दो दरमियाने साइज़ के टमाटर भी बारीक काट के रखे हुए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट भी तैयार है। बाकी मसाले जो हैं वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। साथ मसाला फ्राई हो रहा है, साथ में मैं आलूओं को भी मैश कर रही हूँ। और आलू जो हैं थोड़े दानेदार रखेंगे हम, बिल्कुल ही ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, इससे जो है सालन ज़्यादा मज़े का बनेगा, ठीक है। और साथ साथ रहिए। प्याज हमारी हल्की सुनहरी हो चुकी है, अब हम इसमें एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर देंगे, और इसको चला लेंगे थोड़ा सा। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद है। और ये मैं अपने बेटे तैयब की फरमाइश पे बना रही हूँ। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, ठीक है। एक मिनट हो गया है, तो साथ ही यहाँ पर हम टमाटर शामिल कर देते हैं कटे हुए, और टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, इस तरह मैश भी करते रहेंगे। बारीक काटे हैं मैंने, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। टमाटरों को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं, और साथ साथ होते रहेंगे। पाउडर मसाले फिलहाल जो शामिल करेंगे, नमक हसबे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च आधी चाय के चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, जीरा आधी चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम, 2-3 चुटकियाँ कलौंजी की, 2-3 चुटकियाँ अजवाइन की, आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, धनिया 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया है, नमक मिर्च अपनी मर्जी से ले लें। तमाम पाउडर मसाले हम इसमें शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा पानी भी साथ में शामिल करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले ना, हमारे घूंट पानी का लगाया है तो। और इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे मसाले के बिल्कुल भून जाने तक, घी अलग हो जाए इसका, मसाला हमारा बिल्कुल मुलायम हो जाए, ज़रूरत पड़ी तो साथ साथ पानी लगाते रहेंगे। और इसको इस तरीके से टमाटरों को मैश करते रहेंगे, और मिलते हैं कुछ देर में। अच्छा जी, मसाला जो है हमारा भून चुका है, देखिए मुलायम हो गया, और घी भी छूट गया है इसका, घी अलग हो चुका है देखिए। अब यहाँ पर आलू जो हैं ये मैं मैश किए हुए आलू जो हैं ये मैं इसमें डाल देती हूँ। आलू डाल दिए हैं, आलूओं को हम साथ साथ मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ अच्छे से। थोड़ा सा मुश्किल होता है ये मिक्स करना, लेकिन हो जाता है, ठीक है, ये देखें। और इसकी थिकनेस जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा पतला पसंद है ये सालन तो आप थोड़ा सा पतला रखें, ज़्यादा अच्छा अगर मतलब इसी तरह थिकनेस में रखना चाहते हैं तो थिकनेस में रख लें। वैसे मुझे थोड़ा सा पतला पसंद है तो मैं थोड़ा सा पतला रखती हूँ, और ये चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। थोड़ा मैं पानी शामिल करूँगी, यहाँ नमक आप चेक कर सकते हैं, और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ पानी के साथ। अच्छा जी, मैंने तकरीबन 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है, और मैंने इसे बड़ा अच्छा सा मिक्स किया है, कोई गुठली नहीं है, लम्स नहीं है, मतलब आलू बिल्कुल मैश तो नहीं है, आलू की इस ना थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ हैं, लेकिन मेरे क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि आलूओं को बिल्कुल मैश नहीं करना, दानेदार आलू रखने हैं, लेकिन आलू जो एक जगह पर जमा नहीं है मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है पानी के साथ। यहाँ पर फ्लेम जो है वो देखिए स्लो है बिल्कुल, और यहाँ पर 1 चाय के चम्मच से थोड़ी सी कम है कसूरी मेथी, इसको साफ़ कर लेते हैं। और इसको मैंने थोड़ा सा मसल लूँगी मैं इस तरीके से, ये देखें। और 1 चाय के चम्मच से थोड़ा कम है गरम मसाला पिसा हुआ, आधी चाय की चम्मच है पिसा हुआ ज़ीरा, और ये मैं इसमें चीज़ें शामिल करके और इसको मिक्स करती हूँ साथ में, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट इसको मैं दम लगाऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ।
मैंने आपको पहले से कहा कि थिकनेस आपने जितनी रखनी है आप उतनी थिकनेस रख सकते हैं इसकी, कम ज़्यादा। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इसे पकाऊंगी, इसलिए मैंने पानी जो है इसमें एक गिलास डाला है। आप अपनी मर्ज़ी से पानी शामिल कर सकते हैं और चाहें तो नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो ये मिक्स कर दिया, नमक आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसको मैं ढककर 6 मिनट या 5 मिनट दम पे रखूँगी। तो ये देखें जी, तैयार है हमारा आलू के भुरते का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। आपको बहुत मज़ा आएगा ये खाकर, बहुत हल्की फुल्की सी ये रेसिपी है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और शेयर भी ज़रूर करें। और इसके अलावा वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।